ये जनाब अभी आर्मी की गाड़ियाँ गुजरी हैं, क्योंकि ये सारा बॉर्डर का एरिया है तो यहाँ पर आर्मी गश्त करती रहती है। Your leads are getting wasted. And here's why. You have slow response times. Leads show interest in your product and you get back to them. ये देखें दोस्तों, ये चोलस्तान डेजर्ट है और ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा डलवान है और फिर आगे कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। 300 किलोमीटर का सफ़र करके मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। बिजनौर यहाँ से अभी कोई 30 किलोमीटर आगे है। अभी आप हमारे साथ रहें, आपको बिजनौर तक लेके जाते हैं और दिखाएंगे वहाँ की सकाफत, वहाँ का कल्चर। ये यहाँ पर जो जानवर हैं ये जमा हैं पानी पीने के लिए और ऊँट की मदद से पानी जो है वो निकाला जा रहा है। वाला तो ये कुआं कितना गहरा है? ये सर 12 11 चौड़ा फट 12 इंच पानी अंदर एक पीरो पीरो मतलब ये इतने पीरो थल्ले लंबा कितना? हां तले तले कर 60 70 सी 70 फुट 70 फुट पानी आ रहा है। तो ये पानी ऑटोमेटिक आता है पर आता रहता है? ये मतलब ये बना था ना खड्डा। हां जी, ये खड्डा वैसे भरी ठीक ठीक है सारा जो भरी सर घंटे बाद ये सवारा रख दे सही वाल घंटे बाद वाल पानी आ चले। तो कितने जानवर यहाँ से पानी पीते हैं रोज? जानवर खूब चार दिन का पूरी कतार है, ये जो खूह बने हुए हैं ये पूरी कतार है। मेरा खूह है, इनका खूह है, उनका खूह है, हर बंदे का अलग खूह है। वो अपने जानवर का अपने खूह से पानी पिलाता है। सही है, ठीक हो। आप कहाँ से पानी पीते हैं फिर? अच्छा, जो आपने बनाए हुए अपने पानी के लिए वो आप क्या बता रहे हैं? छोटे छोटे कुंड बने, छोटे कुंड बने, छोटे कुंड बने, उनसे पानी बारिश का उनमें जमा हो जाता है? बारिश आओ ना यादी पानी जमा होता है, बारह थोड़ी पानी खाने। अच्छा, और महीना दो महीने पी गया फिर कमरा पी मजबूरी बाहर ही कमरा जाते। ये इस कुएं का पानी कड़वा है? हाँ, पानी कड़वा है, मुंह चक। मेरा नाम है
Voilà. मैं तुम्हें 20,000 रुपए उधार देती हूँ और तुम मुझे 3 महीने में वापस कर देना। नहीं, मैं जरूरत कैश आप। ये मकामी आबादी है बिजनौट की, जो कि कच्चे घरों में रह रही है। यहाँ पर इन्होंने गोपे भी बनाए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अजय बेटा बेटा कोई नहीं कोई। अच्छा तीन मड्डियां लाद रहे ना। अम्मी जेठ मतलब एक ऑपरेशन की। ये लकड़ियां जंगल से जमा की हुई हैं इन्होंने और ये बाड़ बनाई हुई है। क्या हाल है अंकल जी? ठीक है। कितना खूबसूरत घर है। इधर क्या रखते हैं आप? इसको जो बच्चे होते हैं ना बकर के। अच्छा।